शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। शुक्र है आज वो हाथी के बच्चे यहाँ खेलने नहीं आए। जब देखो तब धमक पड़ते हैं, उधम मचाते हैं। और ये क्या है, कल तो ये यहाँ नहीं था। इससे तो बदबू आ रही है, मुझे बाकियों को इसके बारे में बताना होगा। बल्लू, बघीरा, हमारे जंगल में कुछ हरे पेड़ दिख रहे हैं जो कल तक तो नहीं दिख रहे थे। इसमें चौंकने वाली क्या बात है, हमारा तो पूरा जंगल हरा हरा है। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझो बघीरा। चलो जरा हमें भी तो दिखाओ अपने ये हरे पेड़ की, तुम्हारी बात और अच्छे से समझ में आएगी। हाँ क्यों नहीं बलू, मेरे पीछे आओ। बघीरा, हरे पेड़, मैंने क्या कहा था? हाँ वही तो, बड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने ऐसे पेड़ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। ये तो फफूंद है। बड़ी गंदी बदबू है। फफूंद मतलब बलू? ये पेड़ों पर होने वाला संक्रमण होता है मोगली। इससे नुकसान होता है? अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है तो भारी नुकसान कर सकता है। अगर सभी पेड़ों पर ऐसी ही फफूंद लगी रहेगी तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें इसी वक्त सभा बुलानी चाहिए। अब पेड़ों पर लग रही फफूंद के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। जकाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ करो वरना फफूंद मेरे इलाके को तबाह कर देगी। घबराओ मत, मुसीबत के वक्त मैं खाना पीना भूल जाता हूँ। इस हरी फफूंद ने तो मेरे भी दिमाग की घंटी बजा दी है। मेरे घोंसले वाले पेट पर भी फफूंद लगी है। इससे मेरी त्वचा और सूख रही है, मेरी खुजली बढ़ती जा रही है। बलू, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। मैं जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैं भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। इसका कोई तो इलाज होगा दोस्तों, जिसे हम पेड़ों पर छिड़क सकें और उस फफूंद को हटा सकें। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है अकेला, और पता नहीं ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने पहले भी ऐसी ही फफूंद कहीं देखी है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी थी और कब। मैंने तो सुना था हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, पर इसकी बड़ी कमजोर है। याद आ गया, तुमने भी ये देखा है गजिनी, ये हरी फफूंद इंसानी जंगल के पेड़ों पर लगी थी जहाँ हम काम किया करते थे। हाँ हाथी, तुम्हें तो बहुत पुरानी बात याद है। तो इंसान उन पेड़ों का क्या करते थे, उन्हें काट देते थे क्या? नहीं, पेड़ों को काटा नहीं जाता था, पर वो उनमें कुछ अलग करते थे। वो याद करने की कोशिश करो ना। वो पेड़ों पर कोई तेल लगाते थे। क्या तेल, कैसा तेल? वो बहुत ही गाढ़ा तेल होता था। क्या वो काम करता था, उससे फफूंद फैलना बंद हो जाती थी? सच कहूँ तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें ये तेल ढूंढना होगा, शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तुम्हें उस तेल का नाम याद है? क्या वो कोको तेल था? नारियल का तो नहीं था? अरे नहीं, वो जिस पेड़ का तेल था उसी से उसका नाम था। ताड़ का तेल? देवदार का तेल। अरे हाँ, यही वाला था। देवदार का तेल, मैंने ये सुना है। बचपन में जब मैं राजमहल में रहता था तो इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए करते थे। उसकी अजीब सी महक होती है,
बहुत ही तेज खुशबू वाला होता है। एक दिक्कत है, देवदार के पेड़ हमारे जंगल में नहीं होते। अगर इंसान देवदार के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें इंसानी गांव से मिल सकता है। तुम ये तेल ढूंढ सकते हो बघीरा? हाँ, अगर इंसानी गांव में होगा तो मैं खुशबू से पहचान लूंगा। मेरे पास एक प्लान है, बघीरा और मैं इंसानी गांव में जाएंगे और तुम दोनों यहाँ की तेल मिलने के बाद हम उसे नदी में छोड़ देंगे जहाँ से चील उसे देख सके, और चील तुम्हें इशारा करेगा कि तेल तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। बलू, मैं इंतजार करूंगा मोगले। अब चलो। यही तेल है? नहीं, ये शराब है। अच्छी। ये क्या है बघीरा? पता नहीं चल रहा। ये है मोगली, ये वाला, इन सब में वही तेल है। हाँ वही है। पर हम तो दो ही ले जा सकते हैं बघीरा। तुम्हारी बारी बघीरा। बघीरा, बचाओ बचाओ, तेंदुआ आया है, अंदर तेंदुआ घुसा है, जल्दी आ जाओ। वहां अंदर जाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। बस जल्द ही तेल आता होगा। पता नहीं मोगली किस तरह तेल भेजेगा, इसीलिए हमें एक एक चीज जांचनी चाहिए। छुपने का कोई फायदा नहीं है, बचकर नहीं जा सकता। वहाँ ऊपर कौन है, देखो जल्दी बघीरा। वो देखो बच के आ जाता है। तेल कहाँ है? चील का इशारा। आगे जाकर देखो नदी में आगे क्या चल रहा है जकाला। जकाला, हमने कर दिखाया बघीरा। सब तुम्हारी वजह से हुआ दोस्त। चलो काम पर लगे। कुछ मत छोड़ना, हर हिस्से पर तेल लगाना। अगर ये तेल कम पड़ गया तो क्या करेंगे मोगली? फिक्र मत करो, वहाँ ऐसे बहुत से डिब्बे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता उस वाकये के बाद वहाँ कोई दोबारा जाना चाहेगा। हाँ मैं तो नहीं जाऊंगा बलू।
ये बात, एक बार फिर हमारा जंगल पहले जैसा हो गया। हाँ, अब कुछ बर्बाद नहीं होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ मोगली। नहीं रक्षा, इस काम को किया है बघीरा, अकेला, हाथी, गजनी, चील, इकी, डाजी और तुमने रक्षा और बलू ने। इतने काम के बाद मुझे भूख लग गई है। घबराओ मत, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जकाला, तुम्हारे बिना ये काम नामुमकिन था।